गाजियाबाद में नए बस अड्डे मेट्रो स्टेशन के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अनिल बुलंदशहर का रहने वाला है और अनिल दुजाना गैंग के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि हाल में ही उसने गाजियाबाद में दाल व्यापारी से करीब 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में एक 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अनिल पकड़ा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 16 तारीख को कोतवाली क्षेत्र में दाल व्यापारी के साथ 5,85,000 की लूट हुई थी, जिसका कोतवाली पुलिस ने पूर्व ही अनावरण कर दिया था 28 तारीख को, और चारों अपराधी पकड़ लिए थे। 4.5 लाख की बरामदगी की थी। जब पुलिस को जब जाँच पड़ताल की तो संज्ञान में यह आया कि ये घटना उनसे यहीं के एक दाल व्यापारी के दुकानदार के ड्राइवर ने कराई थी। 2014 से उनके ड्राइवर था वो, उसे उस व्यापारी के मूवमेंट का आने जाने का सबका पता था, तो उसने ही अपने साथियों को ये बताया कि एसएससी कैश लेकर चलेगा और आप रिटर्न लूट लीजिए। सर, अनिल पर कोई आपराधिक उसका कोई इतिहास रहा हो? नहीं, अभी तक हमारे थाना क्षेत्र में कहीं नहीं है। बाकी बुलंदशहर और जनपदों से पता लगाया जा रहा है। कितना हिस्सा माल मिला था, कितना हिस्सा मिला था? इसने पता लगा 1,35,000 मिले थे, जिनमें से 60,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए। जिन लोगों ने लूट की थी उन लोगों का आपराधिक इतिहास क्या है? उनके ऊपर पूर्व के नोएडा और बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ मुकदमे संज्ञान में आए हैं, जो योजना का पार्ट है, चल रहा है। अनिल का संपर्क कैसे हुआ उन लोगों से? वो सिकंदराबाद में जहां वो लोग रहते थे वहीं अनिल भी रहने वाला था वहाँ।